राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पांचा कुशाकाश्य व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस काशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वह नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर में नहीं होता, अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। एकादशी के समान विषय में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें घोर पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर भूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पाशांकुश एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छाता आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्यवश ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया, अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं सो कहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस तरह से आपने एकादशी व्रत कथा सुनी। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखें। जय श्री कृष्ण।